नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम बहुत ही मेहनत से और सही दिशा में कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज की दुनिया की देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या है, उसके बाद क्लास जानेंगे कि आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के बारे में विस्तार से। तो बता दूँ कि NTPC के अफसर के ठिकानों पर जो है CBI ने जो है छापा मारा है, कई जांच जो है अभी की जा रही है और कहा गया है कि NTPC की विजिलेंस टीम की शिकायत पर जो है जांच शुरू की गई है। और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है। इस सुनवाई में जो शीर्ष अदालत ने जो है इस पर बातें की है। तो बता दूं कि मॉडर्ना का जो है टीका को जो है देश में आपातकाल या आपात इस्तेमाल की जो है मंजूरी दी गई है। झारखंड के लोकायुक्त रहे जस्टिस DN उपाध्याय जो कि वर्तमान में थे, 15 फरवरी में इनका जो है रिटायरमेंट था, उनकी मृत्यु जो है हो गई है दिल्ली में कोरोना से। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यदि चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है आज की क्लास में खास रोज की तरह। तो मैं बता दूं कि कल जो परसों सॉरी परसों जो वित्त मंत्री के द्वारा जो बूस्टर पैकेज दी गई है उस पर कहीं ना कहीं जो है सरकार की महंगाई बढ़ेगी, सरकार का बर्डन बढ़ने वाला है। तो चलिए कित क्या है इसकी जुड़ी हुई जानकारी उसके आगे मैं विस्तार से बताऊंगा। चलिए जानते हैं क्लास में क्या है खास रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होगा। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो करंट अफेयर्स इस टॉपिक जो है एवरी डे डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है जिससे हम सभी अपने आप को एक इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा हम सभी को मिलती है आगे बढ़ने की जीवन में। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो मैं बता दूं कि आज ही के दिन वर्ष 1937 में दुनिया के पहले आपातकालीन टेलीफोन नंबर 999 को जो लंदन में शुरुआत हुई थी की शुरुआत हुई थी। टाइम्स अखबार में एक हादसे के संबंध में लिखे गए पत्र के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो है इस पर ध्यान दिया और इमरजेंसी नंबर जो है शुरू किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर इसको याद रखें। आज ही के दिन वर्ष 1938 में बच्चों के पसंदीदा कार्टून सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स में नजर आया था। यह किरदार जेरी सीगल और जो सुस्टर के दिमागों की उपज थी। रेडियो पर सुपरमैन सीरीज जो है वर्ष 1940 में आई। आज ही के दिन वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान विज्ञानी चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्र राव CN राव जिसको कहा जाता है उनका जन्म हुआ था। मात्र 24 साल की उम्र में PhD करने वाले देश के सबसे युवा वैज्ञानिकों में उनकी गिनती की जाती है। उन्होंने ही सबसे पहले द्विआमी ऑक्साइड मटेरियल्स का अध्ययन किया। उनका इसरो, IIT कानपुर, ऑक्सफोर्ड और यहाँ तक कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़ाव रहा है। 4 फरवरी 2014 को जो है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और वर्तमान में भी जो है भारत सरकार और स्पेस एजेंसी से जुड़ी हुई जो है संस्था से वो के अध्यक्ष भी वर्तमान में हैं। चलिए शिक्षा आज की क्वेश्चन नंबर डे की ओर बढ़ते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। फिलहाल इनमें जो बड़ा बदलाव या फेरबदल देखा जा रहा है वो बता दूं कि वह पहले के मुकाबले जो है रुचिकर होने वाला है। इसमें गेम्स है ना, ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं वो गेम्स और पहेलियाँ भी जो है इसमें जोड़ने की बात या कवायद शुरू कर दी गई है। खास करके गणित और विज्ञान जैसे विषयों में इसे प्रमुखता से शामिल करने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को इस संबंध में जो है जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। वैसे भी नए जो है स्कूली पाठ्यक्रम को तैयार करने में पर जो है काम चल रहा है। सरकार ने 2021 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की कोशिश की थी लेकिन कोरोना कारण जो है इसको पेंडिंग में डाल दिया गया है। लेकिन जल्द ही सरकार इस पर काम कर रही है, जल्दी जो है इसको देश में लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल होनी भी चाहिए, समय के साथ बदलाव होना चाहिए क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है देश में एक रोजगार, एक संपन्न व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति, एक स्किल्ड व्यक्ति का निर्माण करेगा जो कि देश की सेवा में, समाज की सेवा में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में जो है अपना योगदान दे सके। तो ये कुछ जानकारियां थी। तो चलिए आज का जानते हैं मोटिवेशनल लाइन क्या है, आज का थॉट्स ऑफ द डे। जितना सोचते हैं
जितना सोचते हैं उससे हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना सोचते हैं उससे हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये संभवता जरूरी नहीं कि हम सोचते हैं वो ही करते हैं बशर्ते, लेकिन अभी का जो दौर है उससे आपको जो है एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सोच रहे हो कि नहीं आज मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, तो वो जरूरी नहीं कि 2 ही घंटा पढ़ना है। यदि आपके पास टाइम है, आप मन लगा के ध्यान से पढ़ रहे हो, तो उसके बाद ये 2.5 घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ हम जो है आज पीटी का ही तैयारी करेंगे, तो जरूरी नहीं कि आप मेंस का भी तैयारी करना अभी शुरू कर दो। तो बहुत जरूरी है कि सोचने के साथ साथ जो है आपको उससे ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, धैर्य के साथ और अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग थाट के साथ, तभी जो है जीवन में परिवर्तन आ सकता है और आप आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत ही अच्छी लाइन थी, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आगे और जानते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। तो मैं बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कल का जो भी क्लास नहीं किया उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो उससे जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं बता दूँ हमारे झारखंड की बेटी ओलंपियन दीपिका कुमारी पर जो है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको जरूर देखें। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में गेम्स और पहेलियां भी शामिल की जाएगी। तो ये जो है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री निशंक जी जो हैं, उन्होंने जो है ये बातें की है, और नेशनल एनसीईआरटी को जो है इस पे काम करने के लिए जो है समय दिया है, जल्दी जो है वो काम पूरा करके इसको रिपोर्ट सौंपेगी। नेशनल अदम COVID-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को जो है सरकार ने, सॉरी अमेरिका ने जो है बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। तो कहा जा रहा है कि करीब करीब 4.1 करोड़ डॉलर यानी 3 अरब रुपए की सहायता राशि दी जाएगी या दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी राशि जो है अमेरिका के द्वारा दी जा रही है। अमेरिका भी लगातार कोशिश कर रहा है और अन्य देशों को भी जो है मदद दे रहा है, उसमें से भारत को भी जो है अभी तक करीब करीब देखा जाए तो 13 अरब रुपये जो है की सहायता राशि दे चुका है, यानी 1300 करोड़ रुपए की राशि जो है कुल मिलाकर अभी तक से दे चुका है। उसमें बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सिलेंडर्स हैं, और आर्थिक मदद भी दी गई है अमेरिका के द्वारा, और इससे जो है अमेरिकी और भारत के जो है रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। बिल्कुल होनी भी चाहिए क्योंकि इस समय के साथ जो है जरूरत है भारत को अभी वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मथी को चलते हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने मुंबई की दवा कंपनी सिप्ला को जो है आपात उपयोग के लिए मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन की जो है आयात को मंजूरी दे दी है, यानी कहा जाए तो उसका इस्तेमाल का भी जो है मंजूरी दे दी है। तो ये इंडिया की मुंबई की कंपनी जो है सिप्ला इसको जो है इसका यूज करेगी, इसका इस्तेमाल करेगी, बनाएगी, लेकिन कहा जाए तो ये मॉडर्ना जो है विदेशी कंपनी है अमेरिका की। नेक्स्ट, और नीति आयोग ने देश में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर व्यापक अध्ययन जारी किया है। तो ये बहुत बड़ा जो है इंडिया के लिए न्यूज है। कहा जाए तो इसमें कहा गया है कि आयोग के सदस्य के द्वारा डॉक्टर वीके पॉल ने जो है ये जानकारी दी है और इसको रिपोर्ट तैयार की है। बात की जाए तो CEO की तो अमिताभ कांत जी हैं, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, और चेयरमैन तो जानते प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह का जो है गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल का गठन करना यानी NGO के माध्यम से, तो बिल्कुल होना ही चाहिए, देश की मांग है, ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो उस तरह का रकम या राशि नहीं खर्च कर पाते हैं इलाज में। इस तरह का होने से जो है PPP मॉडल पे हो या नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल पे हो तो बिल्कुल होनी चाहिए। हर देश में जो है बड़े बड़े जो विकसित देश है उसमें इस तरह का जो है हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। सरकार इसमें कुछ राशि देगी ताकि लोगों को जो है इसका फायदा मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जो है 15 माह की सजा सुनाई है। तो मैं बता दूं कि अदालत की अवमानना के लिए जो है ये 15 माह का सजा सुनाया गया है। कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे आयोग ने समक्ष पेश होने में विफल रहने के लिए जो है कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी पाया, और वो 79 ईयर्स के हैं। वर्तमान में 2009 से 2018 के बीच जो है 9 वर्ष तक पद पर रहते हुए सरकारी राजस्व में लूट खसोट होने का जो है उन पर आरोप लगा था। इसके कारण जो है उन्हें थाने में आत्मसमर्पण के लिए जो है 5 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन वो नहीं आए, इसको देखते हुए जो है इनको दी गई है। नेक्स्ट बात करें तो मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों में महिला थाने खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो बिल्कुल होनी भी चाहिए। तो कहा गया जा रहा है कि उनके द्वारा कि महिलाओं के खिलाफ जो है अपराधों की त्वरित जांच के लिए जो है को देखते हुए जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तरफ की ओर। सिक्स क्वेश्चन जो है, आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, बहुत सारी जानकारी इसको आपको मिली होगी। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था, वो पहले मैं बताने भूल गया था, बता दूं फिर। झारखंड में 28 जून को जो है हुल दिवस मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि 30 जून 1855 में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है पहली बार बिगुल फूका गया था, करो या मरो अंग्रेजी, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, इनके द्वारा जो है की गई थी। तो कहा जाए कि सिंधु और कान्हू दो भाई थे, दोनों भाइयों ने जो है नेतृत्व में ये जो है 30 जून 1955 से जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ा था, क्रांति छेड़ी थी। यानी हुल का मतलब क्या था, क्रांति होता है। तो भोगनाडी झारखंड का एक जगह है, वहाँ पे जो है इसको बरहेट प्रखंड मुख्यालय से काफी दूर है वो, वहाँ पे जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है विद्रोह की आग जो है भड़की थी। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि सिंधु और कान्हू ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया और वो अंग्रेजों के साथ लड़े। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र का आधारशिला रखा है। तो मैं बता दूं कि ये 3 एकड़ में फैला है, लगभग 45 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी और वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक भव्य प्रतिमा बनाया जाएगा, एक बहुत बड़ा सभागार बनाया जाएगा जिसमें 750 सीट होगी, पुस्तकालय, पार्किंग, कैफेटेरिया, तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 29 जून को इटली में G20 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए हैं। तो बता दूं कि उनको उनके द्वारा जो है जो भी वहां पर इटली के जो प्रधानमंत्री हैं मारियो डेग्रियो, उनसे मुलाकात हुई, यहां तक कि वो सऊदी अरब के जो है राजकुमार है उनसे मिले, विदेश मंत्री से, और भी बहुत लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। और वहाँ पर जो है ये मुलाकात के दौरान जो है ये बातें की गई है कि संपर्क साझेदारी, विकास सहयोग और कोविड चुनौती पर जो है विशेष रूप से इसमें चर्चा की गई है। यहाँ तक कि म्यांमार में जो स्थिति बनी हुई है, जो वहाँ पर सैन्य शासन है उस पर भी जो विशेष रूप से बातचीत की गई है और जल्द ही जो है इस पर काम करने की कोशिश की जाएगी, ऐसी बातें जो है निकल कर आई है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, 29 जून को नेट्रैक्स इंदौर में विश्व स्तरीय लगभग 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर, जो कि उद्योग मंत्री हैं, ने किया है। तो बता दूं कि इस रोड की बात की जाए तो ये लगभग 16 मीटर चौड़ा है और काफी बेहतरीन है और जो है दुनिया का इसका 5वां सबसे हाई स्पीड ट्रैक है और एशिया की बात की जाए तो पहला है ये। और यहाँ पर जो है 250 किलोमीटर से लेकर रफ्तार से लेकर अधिकतम 375 किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाई जा सकता है। अंडाकार आकार का है, 4 स्वतंत्र लेन के साथ जो है लगभग 16 मीटर ये चौड़ा है। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता होगा स्टडी ऑफ स्पाइडर्स क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजी, यानी आर्कियोलॉजी को मकड़ियों का अध्ययन होता है। यदि कोई व्यक्ति 15 मीटर से दूर नहीं देख पाता तो वह आंख के निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, यानी दूर का जो स्थिति जो है उसको धुंधला दिखाई दे उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष की बात की जाए तो निकट की वस्तु उसमें धुंधला दिखाई देती है, ना के बराबर दिखाई देती है। नेक्स्ट चलते हैं, चावल की खेतों में मिट्टी की उर्वरकता को नीले हरे सेवाल बेहतर कर सकते हैं। जो प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है औद्योगिक परिस्थितियों में सचिवों का उपयोग करना, रेटिना में मौजूद शंकु के आकार की कोशिकाएं एवं सामान्य प्रकाश के प्रति सहनशील होती है और बात की जाए तो रंग संवेदना प्रकट करती है। तो ये थी विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे मैं आपको एक विशेष रूप से बताने वाला हूँ, जो कि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल करके जो है भारत पर हमले किए गए हैं उसके खिलाफ यूएन में जो है गृह मंत्रालय के विशेष सचिव ने जो है मुद्दा को उठाया और कहा कि ड्रोन से हमला करना बहुत ही जो है खतरनाक हो सकता है। तो ये देख सकते हैं कि देश के सभी एयरपोर्ट पर स्टेशन पर जो है हाई अलर्ट किया गया है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, आईडी के साथ लश्कर का आतंकी भी गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है, यूएपीए के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। हमले को लेकर यूएपीए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि वायुसेना के वरिष्ठ
वारंट अधिकारी के आवेदन पर सतवारी थाने में विस्फोटक सामग्री अधिनियम, गैर कानूनी अधिनियम, रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजस्थान से जासूसी के संदेह में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारतीय सेना की खुफिया एजेंसी ने एक व्यक्ति को जासूसी के संदेह में हिरासत में लिया। अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध की पहचान जिले के बासनपुर निवासी उबाई खान के रूप में की गई है। वह पिछले कई दिनों से खुफिया एजेंसी की निगरानी में था। शनिवार देर रात जो है उसे सेना क्षेत्र के TSP गेट के पास से पकड़ा गया है। तो बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो वायुसेना उप प्रमुख से ली हालात की जानकारी। पाक सीमा से 14 किलोमीटर दूर है जम्मू एयरफोर्स सेंटर। NIA समेत अन्य एजेंसियां जांच में ड्यूटी। ड्रोन मार्ग को ड्रोन के मार्ग का लगाया जा रहा है पता। विस्फोटक में एक इमारत छत ढही किसी भी उपकरण को नुकसान नहीं हुआ और सेना के 2 जवान जो है घायल हुए हैं। ये थी कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। तो चलिए, इसी साथ क्लास की घोषणा समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्लास से तुम्हें फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। जाते जाते सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि ऑल कंस नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, UGC नेट कॉमर्स की पेपर की जो है 2 की डेली तैयारी की जाती है। टॉप 10 क्वेश्चंस किया जाता है 8 PM।